मॉडल टाउन में एक कार को भीड़ घेर कर खड़ी थी। कार में एक नौजवान बैठा था जिस पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। आसपास मौजूद लोग कार सवार लड़के से इस बदतमीजी का सबब जानना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक कार वाले ने पूरी रफ्तार से एक्सीलेटर दबा कई लोगों को कुचल दिया। उसके बाद जब वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह कार की रफ्तार और तेज कर मौके से भाग निकला। ये घटना दिल्ली के मॉडल टाउन की गुप्ता कॉलोनी की है। घटना रविवार देर रात की है। लोगों का आरोप था कि वह लड़की छेड़ रहा था। इसे लेकर लोगों ने विरोध किया तो उस रईस जादे ने इस हरकत को अंजाम दिया। लोगों ने बताया कि उसने कई लोगों को कार से कुचल दिया, साथ ही उसने एक गाड़ी को भी टक्कर मारी। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। हालांकि लोगों का ये भी आरोप है कि पुलिस घटना के काफी देर बाद मौके पर पहुंची। इस वक्त मैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद हूं, इसको गुप्ता कॉलोनी चौक बोलते हैं। कल दरअसल यहां पर एक वाकया हुआ, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स गाड़ी लेकर यहां पहुंचता है, उसके बाद वो गाड़ी बैक करता है, कई लोगों को गाड़ी के पीछे रौंदता है, उसके बाद यहां से फरार हो जाता है। उसको पकड़ने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जो है लोग जो है उसके ऊपर गाड़ियों पर भी चढ़े, उसको गाड़ी को उन्होंने काफी एक तरह से मारा, उसको मारने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। तो ये वो जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसी जगह पर पूरा वाकया, जो एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें दिख रहा है कि साफ साफ एक शख्स आता है जो गाड़ी में होता है, उसको पकड़ने की पहले कोशिशें की जाती है, वो गाड़ी आगे लेके जाता है, फिर बैक करता है, यानी दो तीन बार उसने बैक किया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं पुलिस का कहना है कि, लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। यानी दिल्ली पुलिस सबसे स्मार्ट पुलिस अपने आप को बनती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वाकया हुआ, एक तरह से कहा जाए कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की उड़ गई, एक शख्स किस तरह से गुंडागर्दी का चालू था गाड़ी में, और फिलहाल इस सिलसिले में पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आरोपी जल्दी पकड़ा जाएगा।